और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद आपका। निशिकांत जी, दानिश अली ने जो आरोप आपने लगाए हैं, जो बातें कही हैं चिट्ठी में, उसे सिरे से नकार दिया है, ऐसे में इसे साबित कैसे करेंगे सर? देखिए, ये मामला लोकसभा स्पीकर के पास है। मेरे कहने से, विदोड़ी जी के कहने से, दानिश अली जी के कहने से ये लोकसभा नहीं चलती। और इस लोकसभा ने बड़े बड़े डिसीजन लिए जी, जिन्होंने कैश लेकर क्वेश्चन पूछे, उसमें से 11 सांसद को ये लोकसभा निकाल भी चुकी है। ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की ताकत बहुत है। मेरी जो सीट है जी, वो सीट नंबर 202 है, वो अपोजिशन के ज्यादा नजदीक है, हमारी पार्टी से दूर है। इसीलिए जिन चीजों का मैं प्रीव्यू हूं, जिस वक्त ये कमेटी बनेगी उस कमेटी को मैं जवाब दूंगा जी। अभी जो ये, जब राजनाथ सिंह जी ने खुलेआम हमारे उपनेता हैं माफी मांग ली, ये मामला खत्म हो गया था जी। ये मामला उठने के पीछे रीजन यही है। आज विदोड़ी, कोई विदोड़ी जी को डिफेंड नहीं कर रहा है। विदोड़ी जी ने जो बातें कही वो मैं बार बार अपने पत्र में कह रहा हूं कि ये सभ्य समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए ये गलत है, निंदनीय है, और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है जी। लेकिन मैंने उसके एक दिन पहले ये मुद्दा उठाया, किसी मीडिया ने क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा कि कॉलर पकड़ा सोनिया जी ने, कांग्रेस ने जो है क्यों नहीं मेरे ऊपर प्रिविलेज कर दिया जी, क्योंकि सोनिया जी का जो मूर्ति है वो धाराशाही हो रहा था, पूरा गांधी परिवार बौखला गया। तो बौखला गया तो उसको दानिश अली जी के तौर पर जो है एक टूल मिल गया, एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया, ये सेकंड थॉट है जी। पहले दिन जब सभी चीज ठीक हो गया था, पार्लियामेंट बंद हो गया था, इसके बाद ये दूसरे दिन इस मुद्दे को उठाने की क्या आवश्यकता थी? और मीडिया भी इस मुद्दे को उठा रही है तो सोनिया जी के उस मुद्दे को पार्लियामेंट में तो इससे ज्यादा घटिया काम हुआ ना, कि एक अनुसूचित जाति के सांसद यशवीर सिंह जी को सोनिया जी ने बदतमीजी की उनके साथ, इस पर क्यों नहीं डिबेट हुआ जी? आज जो है शब्दों के ऊपर डिपेंड, वहां तो फिजिकल मारापीटी हुई थी। तो इस सोनिया गांधी जी की इमेज को बचाने के लिए ये प्रॉम्प्ट हो गए। दूसरा ये है कि जो मेरी जानकारी है ठीक है, कि बसपा से इस्तीफा देके ये कांग्रेस में जा रहे हैं जी। तो कांग्रेस में जा रहे हैं तो मोदी को गाली दे रहे हैं। चलिए निशिकांत जी, आप जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ जो है दानिश अली ने इन आरोपों को निराधार बताया, वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बातचीत करने के लिए निशिकांत दुबे। Z News.